हेलो, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन, यानी हम आज बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शन क्या है. अ फ्रैक्शन इज़ मेड अप ऑफ टू नंबर्स, यानी फ्रैक्शन दो नंबर से बने हैं, जैसे कि 1/2, यानी 1/2. 1 इज न्यूमरेटर, वेर एज 2 विल बिकम द डिनोमिनेटर. अ फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ टू नंबर्स, यानी एक फ्रैक्शन जो होती है उसमें दो नंबर्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. व्हाट इज अ न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज अ नंबर विच इज अबव द लाइन, डिनोमिनेटर इज अ नंबर विच इज बिलो द लाइन. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. 3/4, 3 इज अ न्यूमरेटर, वेर एज 4 विल बी अ डिनोमिनेटर. नाउ लेट्स ट्राई अगेन. सपोज आई टेक अप अ नंबर लाइक 4/7, 4 विल बी अ न्यूमरेटर एंड 7 विल बी अ डिनोमिनेटर. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस कई प्रकार के होते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, देर इज प्रॉपर फ्रैक्शन, देर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देर इज यूनिट फ्रैक्शन, एंड देर इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. आई रिपीट, देर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस. व्हाट आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. 4 प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेर इन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. नाउ आई गिव यू ऑल एन एग्जाम्पल. 3/4, न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 4. 3 इज लेस देन 4, दैट्स द रीजन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ऑल राइट, आई शो यू वन मोर एग्जाम्पल. 2/5, 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, दैट इज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. सिमिलरली 7/8, 7 नंबर इज लेस देन 8, दैट्स द रीजन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, एंड दैट्स द रीजन 3/4, 2/5, 7/8 आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. अभी हमने जाना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है. प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नंबर से कम होता है. जैसे कि 4/5, 4 इज लेस देन 5, दैट्स द रीजन 4/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन wherein numerator is greater than denominator is called as improper fraction. Now, improper fraction में numerator का number जो होता है वो denominator से बड़ा होता है. For example, 9/7, 9 जो होता है वो 7 number से बड़ा है, इसीलिए उसे improper fraction कहते हैं. Let's look at some other example. For example, 11/4. 11/4 is an improper fraction because 11 number is more than 4. That is, numerator is greater than denominator. Similarly, you can look at another number
maybe 17 by 12. So 17 is greater than 12. That's the reason 17 by 12 जो है वो एक improper fraction कहते हैं. Now let's look at unit fraction. Let's look at what is a unit fraction. Unit fraction में एक simple सा rule है. Unit fraction में numerator हमेशा की तरह, that is numerator is always one. Is always 1. For example, 1 by 4, 1 by 9, 1 by 11. ये सब इस सभी को unit fraction कहते हैं क्योंकि numerator 1 है और denominator जो है numerator से बड़ा है but it is not 1. Okay? Students, I hope you all have understood what is a proper fraction, what is an improper fraction and what is a unit fraction. Now let's understand what is a mixed fraction. Mixed fraction contains a whole number and proper fraction. It contains a whole number and proper fraction. For example, 2, 3 upon 4. For example, 3, 1 by 6. 4, 2 by 3. All of these are mixed fraction. Agar aap dhyan se dekhe, 2 is a whole number. 3 by 4 is a proper fraction. 2 is a whole number. Whereas 3 by 4 is a proper fraction. Similarly, 1 upon 6, 3 is a whole number and 1 by 6 is a proper fraction. Similarly, if we look at another example, 4 is a whole number whereas 2 by 3 is a proper fraction. Alright students, 2, 3 upon 4, 2 एक whole number है, 3 by 4 एक proper fraction है. इसीलिए ये 2, 3 upon 4 को mixed fraction कहते हैं. Similarly, 3 is a whole number, 1 by 6 is a proper fraction. That's why it's called as a mixed fraction.